पूरी दुनिया में फैले हुए छोटे और बड़े मेरे प्रिय दर्शकों को डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का जय गिरनारी। आज मैं आपको गिरनार महात्मय नामक एक बड़ा पवित्र धार्मिक ग्रंथ की बात करने वाला हूँ। गिरनार बड़ा अलौकिक पर्वत है, उसके बारे में सदियों से कुछ लिखा जा रहा है, फिर भी कोई भी आदमी शायद गिरनार को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया होगा। आज तक मुझे भी पूर्ण रूप से यह ग्रंथ नहीं पाया है। यह है गिरनार महात्मय। आजकल कुछ कुछ जगह पर गिरनार महात्मय बड़ी छानबीन के बाद मिल जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं है। वह मूल असल गिरनार महात्मय से संक्षिप्त की गई छोटी छोटी पुस्तिकाएं है। एक ग्रंथ जैनों के द्वारा प्रकट करवाया गया था, उसका लेखक है दौलत चंद बरोड़िया। उस ग्रंथ का नाम भी गिरनार महात्मय है, लेकिन वह गिरनार महात्मय अलग है और यह पूर्ण रूप से मिल जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। गिरनार महात्मय किसी के पास हो तो बड़ा सद्भाग्य की बात है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि फला फला आदमी या संत या जगह के पास गिरनार महात्मय है। मैं तो इतना खुश होकर वहां जाता रहता हूं, लेकिन खाली हाथ निराश वदन से वापिस आता हूं। ज्यादातर लोग तो यह ग्रंथ बताते ही नहीं, फिर भी बहुत कहने से और मेरा पूरा परिचय देने से, और मैं उसको समझाता हूं कि मैंने गिरनार के बारे में एक ग्रंथ लिखा है, भैया मेरी तरफ सही वास्ते देखो। मैं कोई सोना बनाने की रीत ढूंढने के लिए यह ग्रंथ नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं तो संशोधक हूं, इतिहासकार हूं। आप मुझे यह ग्रंथ दिखाए, मैं सिर्फ उसका दर्शन करना चाहता हूं। ऐसी कागलूदी करने से कोई प्रेमाल दिल वाला आदमी हो तो पिघल जाता है और बोलते हैं, हमने किसी को नहीं दिखाया। चलो आप लेखक है और जानकार आदमी है, इसलिए दिखाता हूं। मैं तो बड़ा सद्भागी मेरी जात को मानने लगता हूं कि क्या मेरा सद्भाग्य खुल गया, मुझे गिरनार महात्मय मिल पाएगा। लेकिन जैसे ही वह सज्जन अपने पास सालों से संग्रह हुआ पड़ा हुआ जीव जैसे जतन किया हुआ ग्रंथ दिखाते, तब सही पता चलता है कि यह गिरनार महात्मय है ही नहीं। इतना अफसोस होता है कि लोग कैसे कैसे जाने बिना खोले बिना उसकी बातें पढ़ने बिना बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। जिसके पास यह ग्रंथ है, यह स्कंद पुराण का अनुवाद किया हुआ ग्रंथ ही मैंने तो देखा। अब मैं गिरनार महात्मय के लिए कुछ नियम प्रणाली का और फल कथन स्कंद पुराण में दिए गए वह आपको बताता हूं। गिरनार महात्मय जो भक्त प्रभास खंड में सुनता है, वह स्वार्थ सिद्धि को पाते हैं। वह हरिहर का प्रसाद से पुत्र पौत्रादिक आलोक का सुख पाकर स्वर्ग में जाता है। यह ग्रंथ का पूजन करने से सब देवों प्रसन्न होते हैं। गिरनार महात्मय कृतघ्नी पापी गुरुद्रोही परदेश गमन करनार राजद्रोही ऐसे लोगों के पास सुनाना नहीं और उसको देना भी नहीं। कार्तक माह में रेवताचल में जो कोई आदमी गिरनार महात्मय का दामोदर जी का मंदिर में पाठ करे या सुनते हैं, उसका सब पाप का नाश हो जाता है। गिरनार महात्मय पढ़नार को सुवर्ण का सिंहासन सहित गिरनार महात्मय ग्रंथ का दान करने से उसको
वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हर कोई नारी श्रद्धा से गिरनार महात्म्य सुनते हैं। जो वह अपुत्र होते तो उसको पुत्र प्राप्त होता है और धन यश प्राप्त करते हैं। गिरनार महात्म्य नामक पवित्र ग्रंथ जो कोई पढ़ने वाला ब्राह्मण को पूजा करने के बाद वस्त्रालंकार मालिया चंदन के साथ देते हैं वह अमोघ पुण्य प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं लेकिन आयुष्य कीर्ति पुत्रों धन गृह क्षेत्रादि जो भी इच्छा करते हैं वह प्राप्त करते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आपने कहीं पूर्ण गिरनार महात्म्य देखा हो सुना हो तो जरूर बताना। उसकी सब बातें भक्तजनों गुणीजनों को आज बहुत जरूरत है। आप जितना बांटोगे उतना ही ज्ञान और विद्या बढ़ती ही रहेगी। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। हर भक्तजन की आशा है कि यह धार्मिक ग्रंथ का हम दर्शन करें, इसमें देखें और ये बड़ा सिद्ध धार्मिक ग्रंथ में मूल असल स्वरूप में क्या लिखा है, बाद में उसको संक्षिप्त कर उसमें क्या दिया गया है, वो आज हमको देखना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी को इतना उदार मन ही नहीं, अपने पास पड़ा है तो एक की दो कॉपी तो हो ही नहीं सकती, एक ही रहेगी। लेकिन किसी को देना चाहिए, किसी को दिखाना चाहिए। जो संशोधक है, जो इतिहास की दृष्टि से कुछ लिखता है, भक्त है, संत है, साधु है, उसको ये ग्रंथ की बड़ी जरूरत है। आजकल के लोग यह ग्रंथ का नाम सुनते हैं, किसी को तो ऐसा लग जाता है कि ये सोने बनाने के चक्कर में जरूर पड़े होंगे। इसको पता नहीं कि इसमें सोने बनाने की विधि की लिखी है, उसके लिए वो नहीं ढूंढता। उसको तो यह धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, गिरनार महात्म्य में गिरनार की क्या क्या बातें बताई है, वो जानना है। लेकिन आजकल सब दुनिया पैसे के पीछे ही पड़ी है। उसको क्या पता कि सब लोग पैसे के लिए नहीं जीते, कुछ लोग इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए जीते हैं।